प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ कामरान की बारादरी लाहौर में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप शहदरा की जन्म से आएंगे तो आपको ये रावी मेन रावी ब्रिज के साथ ही कामरान की बारादरी एक जीरा नमा जगह है, यहाँ पे आपको ये नजर आएगी। ये जितनी भी है ये 400 से 500 साल पुरानी सकाफत है हमारी। जो अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, खुश आमदीद जैनो। तो जनाब, इस वक्त हूँ मैं आपके सामने जिंदा दिलों के शहर लाहौर में, और लाहौर की ये कमरान की बारादरी पीछे भी देख रहे हैं। तो इस समय यहाँ पे मौजूद हूँ। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ कमरान की बारादरी लाहौर में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप शहदरा की जन्म से आएंगे तो आपको ये रावी मेन रावी ब्रिज के साथ ही कमरान की बारादरी एक जीरा नमा जगह है, यहाँ पे आपको ये नजर आएगी। सदियों पुरानी लेकिन मुगलिया दौर की एक शाहकार कह लें, इमारत कह लें, जो भी आज अपनी खस्ता हाली की जिंदा मिसाल है। ये जितनी भी है ये 400 से 500 साल पुरानी सकाफत है हमारी। जो मौलिया दौर में आपने देखा होगा बहुत सारे बिछाई किले में, शालमार बाग में, और इसके अलावा कमरान की बारादरी में, और जितने भी ये हमारे स्पॉट्स हैं ना, जितने विजिटिंग स्पॉट्स हैं, उसमें आपने ये मौलिया दौर की ये सकाफत देखी होगी, इनकी ये कशीदाकारी देखी होगी। बहुत सारी जगह ये फ्रेस्को का काम हुआ है। बहुत जगह पर जो मरहीन है वो लिखते हैं कि जब पंजाब पे राजा रंजीत सिंह ने अटैक किया, जब राजा रंजीत सिंह की गवर्नमेंट आई थी, तो तब उसने यहाँ से बहुत सारे कीमती पत्थर और दूसरे जो यहाँ पे शिदाकारी के ये बनाए गए थे वो उतार के यहाँ से न्यू दिल्ली लेके गया था, और वहाँ पे जाके गुरुद्वारा जो बनवाया गया था वहाँ पे लगे थे। यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ है वो सिर्फ इतना ही है कि हमारे पाकिस्तानियों के देखने के लिए यही कुछ है। और यहाँ भी आशिकों ने माशाल्लाह अपनी आशिकी दिखाई हुई है, उधर देखने उसामा जट गुजर साहब, ये चीज़ें ही हैं, कुछ बाकी बचा नहीं है यहाँ पे। और हमने अपनी सकाफत को, ये खुद ही देख लीजिए, हमने अपनी सकाफत को खुद ही बर्बाद किया हुआ है। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो आप देख रहे हो बीच में अंधेरा धुआं, ये चीज़ जिन्नात को ज़ाहिर करती है। यहाँ पे आप नीचे लगती है, घर में दिए वगैरह रखते हैं लोग, यहाँ पे दिए जला के क्या मिलेगा भाई। और इधर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे दरबार भी है, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। कोई मज़ा नहीं आया यार, इसको नंबरिंग करते हुए मज़ा नहीं आ रहा। आप अगर विज़िट करते हो किसी जगह भी, किसी जगह को भी देखते हो, तो ज़ाहिर है वहाँ पे उसकी नंबरिंग करते हो ना। कभी के वक्तों में यहाँ पर एक खूबसूरत कंटीन भी बनाई गई थी जो विजिटर को, एक्सप्लोरर्स को अपनी तरफ खींचती थी। लेकिन क्या कहिए, सतम जरफी कहिए या जो भी, वक्त के साथ चलना हमने सीखा नहीं है। और आज ये कंटीन जो है, इसके शीशे, इसके दरवाजे उखाड़ के ले गए लोग, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। अफसोस, हम सादक और अमीन नहीं रहे, हमने अपनी ही चीज़ों को लूटा, अपने ही लोगों को लूटा, अपने ही मुल्क को लूटा। आज यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय वीरानी के, मक्खियों के जाल नजर आते हैं, चिड़ियाओं के बीठे नजर आते हैं, और कुछ भी नहीं। ये
इस बारादरी को उस वक्त के मुगल शहंशाह ज़हीरुद्दीन के बड़े बेटे कमरान मिर्जा ने अपनी अयाशी के लिए बनवाया। जहाँ ये लफ्ज अयाशी मेरे बहुत सारे दोस्तों को नागवार गुजरेगा, मगर साहेब तारीख के वर्क को अगर खोला जाए तो स्वाय अयाशी शराब व कबाब के इस बारादरी का और कोई मकसद नजर नहीं आता। बरासगीर में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की वफात 1530 में हुई। इसके बाद ज़हीर के बेटे कमरान मिर्जा ने लाहौर का कंट्रोल संभाला। शहंशाह हमायूं ने इसके कब्जे को मानते हुए कमरान मिर्जा को लाहौर का गवर्नर बना दिया। कमरान मिर्जा ने लाहौर से बाहर दरिया रावी की दूसरी जानब एक खूबसूरत बाग बनवाया और 1540 में इस बाग के वस्त में एक शानदार बारादरी तामीर करवाई। ये लाहौर में ऐद मुगलिया की पहली तामीर करदा शाही इमारत। बाद अजां इसी बारादरी में मुगल शहंशाह जहांगीर ने अपने बड़े बेटे शहजादा खुसरो और उसके 300 साथियों को बगावत के जुर्म में सजाए मौत दी और शहजादा खुसरो को नाबीना करने की सजा दी और इसे शाही किले के तंग तारीख कमरे में कैद करने का हुक्म दिया। तारीख लिखती है कि उसने उसी कमरे में सिसक सिसक कर एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपनी जान दी थी, लेकिन वो रिहाई नहीं पा सका था। बारादरी के साथ में ही एक छोटा सा दरबार मौजूद है और एक छोटी सी प्यारी सी मस्जिद भी मौजूद है। मैंने नमाज असर यहीं पे पढ़ी थी, लेकिन वो दिखाने लायक नहीं है। मैंने वीडियोस बनाई लेकिन मैं ऐसा नहीं दिखा सकता जो मेरे मुल्क को बदनामी की तरफ लेके जाए। आगे ही बहुत बदनाम हो चुके हैं लोग, मैं नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे चर्सी बंगी और मतवाली किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो समोसे भी खाए जा रहे हैं, पकौड़े भी खाए जा रहे हैं, चना चाट भी खाई जा रही है, प्लस दरबार के दाएं बाएं आगे पीछे सिर्फ पेशाब ही नज़र आता है और कुछ नहीं। खैर ये तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे विज़िट करते हैं वो असर के फौरन बाद यहाँ से निकल जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर मगरब के बाद एक बाबा जी हैं जो हाफ उनकी बॉडी नज़र आती है, यानी सीने से ऊपर ऊपर का हिस्सा वो नज़र आता है और वो लोगों को डराते हैं। वल्ला आलम, मुझे नहीं पता वो हैं भी या नहीं, लेकिन यहाँ के बारे में बहुत सारी कहानियाँ जो हॉरर किस्म की हैं वो मशहूर हैं। पीछे कोई नहीं जाता, उनको लाश पे बिल्कुल वीराना है, वहाँ पे कोई भी नहीं जा रहा। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
یہاں پہ ایک بات بہت کامن ہے مشہور ہے جو میں نے مختلف ویڈیوز میں مختلف جگہوں پہ لوگوں سے سنی، چاہے افتخار افی صاحب کا اگر چینل ہے تو انہوں نے بھی یہ بات بولی ہے، اردو پوائنٹ والوں نے، ڈیلی پاکستان نے اور تمام جتنے بھی بڑے فیمس جو یوٹیوب چینل ہیں ان سب نے یہ بات بولی ہے کہ یہاں پہ ایک بزرگ ہیں جو رات کے ٹائم پہ نظر آتے ہیں، خاص کر کے آپ کہہ سکتے ہو کہ عشاء کے سوری مغرب کے بعد جو ہے نا یہاں پہ وہ نظر آتے ہیں، تو مجھے تو ابھی تک کچھ بھی نظر نہیں آیا، مجھے ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا، اگر کوئی نظر آ گیا کہ بابا جی آ گئے تو پوچھا گے یار کہ یار سمسے کوڑے آئے تھے دسو، ان بھوک لگی ہے پیاس لگی۔